हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूं क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या महसूस करा जा रहा है, क्या आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, क्या क्या चेंजेस इनकी एनर्जीज, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस में आपको लेकर आए हैं, इस चीज को इस रीडिंग में देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अगर अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आपको मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आपको मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेना है, ताकि आप कनेक्ट कर पाए। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके स्टेट ऑफ माइंड को देख रही हूँ, जान रही हूँ अब आपको लेकर क्या बना हुआ है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को, बताइए प्लीज, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस स्टेट ऑफ माइंड में है, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। सॉलिट्यूड, पेशेंस एंड प्लानिंग, टेम्पटेशन, ट्रिम्फ, सक्सेस, इमोशनल विथड्रॉल, एक्सेलरेटेड मोशंस, सैक्रिफाइस एंड लाइट। तो व्यूअर्स, सबसे पहले राशियां डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका दिखेगा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, आपका हो गया जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो आपके लिए खास हो सकते हैं, वो हैं आपके 9, 7, 15, 6, 1, 19, 10, 8, 12 एंड 3। एंड मंथ जो इस यहाँ पे आपके लिए खास हो सकते हैं, वो है आपके सितंबर, जुलाई, जून, जनवरी, अगस्त, मार्च, दिसंबर एंड अक्टूबर मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये चीजें हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी जिंदगी में उस रोशनी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं जो अब इनसे छूट चुकी है, जो इनसे दूर हो चुकी है। यहाँ पर ये पर्सन अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते जरूर से हैं, लेकिन खुशियां इन्हें उस वे में नहीं मिल रही हैं, या जो इनके आसपास की चीजें हैं वो इन्हें इस तरह से खुशियां नहीं दे रही जिस तरह से इन्हें मिलनी चाहिए या किसी भी इंसान को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी फीलिंग या ऐसी सोच इनकी यहाँ पर है व्यूअर्स, जहाँ पर ना ये पर्सन अपनी खुशियों को छूने की, देखने की या फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके एक्चुअली में खुशियां कहाँ पर हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा। जहां पर ये अपने आज में है, क्या इन्हें यहीं पर वो खुशियां मिलेंगी, यहाँ पर ही वो सुकून मिलेगा, या इनकी मंजिल, इनकी खुशियां कहीं और है? इस तरह की चीजें इस इंसान के मन में, दिल में काफी ज्यादा सवाल जैसे कि डेवलप कर रही हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए संसार ने अपने आप को इस मोड में डाल रखा है, यानी कि अपने आप को अपने आप में ज्यादा रख रखा है। ऐसा नहीं है कि आसपास जब लोग होते हैं तो उनसे मुंह फेर ले रहे हैं या उन्हें इग्नोर कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपनी आप को अपने आप में रखने का मीन्स है कि किसी के सामने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को ये खोलकर नहीं रख रहे। हाँ, उनकी बातें सुनी जा रही है, हाँ में हाँ भरी जा रही है, कहने को स्माइल भी करी जा रही है, कहने को चुप भी रहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो इस इंसान को व्यूअर्स ना इंतजार है अपनी खुशियों का, ठीक है? अपनी खुशियों के लिए ये पर्सन काफी ज्यादा टेम्पटेट हो रहे हैं, और जहां पर है वहां पर तो डेफिनेटली इन्हें नहीं लग रहा कि ये मेरी खुशी है, ये मेरी मंजिल है। इमोशनली वे में खालीपन इस इंसान को अपनी जिंदगी में इस कदर महसूस हो रहा है, जिसके चलते भी इस इंसान ने अपने आप को और ज्यादा अकेला कर रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में काफी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि ये पर्सन ना आपकी आवाज सुनने के लिए जैसे मानो काफी ज्यादा टेम्पटेशन अपने अंदर डेवलप होती हुई पा रहे हैं।
या फिर आपकी तरफ से कोई मैसेज जो भी इनकी तरफ पहले आया करता था वो काफी लंबे समय से अगर नहीं आया है ना, तो उन लोगों के केस में ये पर्सन आपकी तरफ के उन मैसेजेस में एक उम्मीद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से अगर कोई मैसेज आता है तो डेफिनेटली कुछ तो उम्मीद इनकी बन सकती है। एक वक्त पे इस इंसान ने आपसे जुड़े हुए रिश्ते को सरेंडर करा, सेक्रीफाइस करा, या इस रिश्ते को इन्होंने हाथ जोड़ा। इस वे में जैसे कि इन्हें अपनी मंजिल, अपनी खुशियां कहीं और ढूंढनी थी, या फिर इन्हें अपनी कामयाबी कहीं और दिख रही थी, लेकिन अब ये पर्सन अपनी उन्हीं सरेंडर करी हुई चीजों, उन्हीं सेक्रीफाइस करी हुई रिश्ते के आगे फिर से अगेन अपने आप को हाथ जोड़ते हुए फील कर रहे हैं। एज इन की वापस से वो खुशियां, वो अबेंडेंस, वो इमोशनली वे में एक सपोर्ट, एक सहारा इनकी जिंदगी में लौट आए, उस तरह की चीजें इस इंसान के दिल में काफी ज्यादा एनहांस हो रही हैं। आपके पर्सन ना माइंड गेम बहुत खेलते हैं या दिमाग ज्यादा चलाते हैं, और उस दिमाग को चलाने के चलते ही इन्हें कुछ तो चीजें ऐसी दिखी अपनी जिंदगी में जो इन्हें अट्रैक्ट कर रही थी, जो इन्हें चमकती हुई दिख रही थी, जिसके चलते उसे छूने के लिए इस इंसान ने आपसे जुड़े हुए रिश्ते को सरेंडर कर दिया। लेकिन उस सरेंडर करे हुए रिश्ते के बाद जो इमोशनली वे में खालीपन है ना, उसका एक्सपीरियंस अब आपके पर्सन अपनी जिंदगी में ले रहे हैं, उसका स्वाद ये चख रहे हैं। और जब ये उसका स्वाद चखने बैठे तो वो स्वाद बिल्कुल बक बक आसा था या बिल्कुल कड़वा था, तो वो सभी एहसास इस इंसान को वापस से उसी स्वाद की तरफ टेम्पटेट कर रहे हैं जो इस प्यार से इन्हें मिल रहा था, या एक प्यार भी जो मिलना चाहिए। तो वही सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को अपने आप में अकेला करके छोड़ गई हैं, ऐसा एहसास इन्हें इस पल में हो रहा है। कम्युनिकेट करने की डेफिनेटली इस इंसान के दिल में इच्छा यहाँ पर डेवलप हो रही है, लेकिन वही चीज है ना, बात कहाँ से शुरू करें, क्या करें, क्या जवाब मिलेंगे, क्या सवाल करेंगे, उन सबके जवाब क्या देंगे, वहां जाकर इस इंसान की सारी प्लानिंग फेल हो रही है, वैसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। मैं टैरो से देखती हूँ तो मुझे और चीजें क्लियर होंगी, मैं आपको और चीजें अच्छे से बता पाऊंगी। देखिए राशियां सभी हो गई हैं, नंबर्स मंथ वो भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, अब जस्ट इनकी फीलिंग्स को यहाँ पर डिस्कस करा जाएगा जो सुबह से लेकर अब तक बनी रही हैं आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, तो वो चीजें डिस्कस करी जा रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सॉलिट्यूड की एनर्जी में, स्टेट ऑफ माइंड में रहकर व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो व्यूअर्स, मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान ने जो आपको सरेंडर कराना, उसके पीछे का रीजन था या तो कोई फादर फिगर, ठीक है, मतलब घर का कोई मुखिया था, जिसकी वजह से इस इंसान ने उनके प्रति अपनी ऑनेस्टी, अपनी वफादारी निभाने के लिए इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करा, या फिर उनसे किसी तरह की इन्हें स्टेबिलिटी मिल रही थी, पैतृक संपत्ति इन्हें मिल रही थी, या घर में रहने की जगह इन्हें मिल रही थी, या उनसे रिलेटेड इनकी कोई जिम्मेदारियां थी वो इन्हें पूरी करनी थी, तो अल्टीमेटली इस इंसान ने आपको जिस कारणवश सरेंडर करा, ये पर्सन उसी वजह को काफी ज्यादा अपने आप में रखकर अपने आप को सोच रहे हैं। वो चीजें पहले ये पर्सन इस वे में सोच रहे थे, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यहाँ से मुझे ये चीजें मिल रही हैं, ये चीजें मुझे आज भले खुशियां नहीं दे रही हैं, सुकून नहीं दे रही हैं, लेकिन आगे चलकर इनसे मुझे डेफिनेटली सुकून और खुशियां मिलेंगी। लेकिन सुबह से लेकर अब तक अब ये उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच रहे हैं कि वफादारी तो निभा ली, लेकिन कहीं ना कहीं एक एहसास ही हो रहा है जैसे कि पैट बनकर रह गए हैं, सिर्फ जिम्मेदारियां ही निभाते रह गए हैं, या सिर्फ एक एक तरह से एक खुशियों के नाम पर ही कंट्रोल ही करे जा रहे हैं, जैसे वो होते हैं ना कुत्ता बनकर रह गए हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो अपने आप में ये पर्सन जितना ज्यादा अपने आप को रख रहे हैं, इनकी सोच इन्हें इस तरह से समझा रही है कि ये सब करके अल्टीमेटली ये क्या बनकर रह गए, जो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो इस इंसान को कहीं ना कहीं
समझ नहीं आ रहा या इस इंसान को बनकर नहीं रहना, ये फीलिंग इनकी है यहाँ पे। इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करने के लिए टेम्पटेट हो रहे हैं, या इसीलिए ये पर्सन इमोशनली वे में इतना खालीपन अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग को लेकर सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी हुई है, स्प्रिट गाइड प्लीज रिवाइंड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक पेशेंस एंड प्लानिंग को लेकर, फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर इस इंसान ने जो भी डिसीजन लिया या जिस भी रोशनी की तरफ बढ़े, ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लाइंडली ये पर्सन वहां पे बढ़ गए। कहीं ना कहीं इस इंसान ने वहां पर भी इंतजार करा, प्लानिंग्स करी एंड देन ये वहां पर मूव करे हैं। लेकिन अब ये पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को पहुंचा रहे हैं कि ये है इनकी प्लानिंग्स, और ये अपनी प्लानिंग्स के आगे एकदम से जैसे मानो घुटने टेक दिए हैं। इनकी प्लानिंग्स ने इन्हें ना घुटनों पर ला दिया है, वैसी फीलिंग इस इंसान को यहाँ पर हो रही है। इनकी जो प्लानिंग्स थी वो तो डेफिनेटली जीती, या इनका इंतजार डेफिनेटली वो तो यहाँ पर कामयाब हो गया, लेकिन उसके बदले में ये घुटनों पर आ गए, ये कंगाल हो गए, ये बर्बाद हो गए, या इनके आसपास की जो भी रोशनी ने दिख रही थी, खुशियां दिख रही थी, वो सब एकदम फीकी पड़ गई है। वो एहसास इस इंसान को यहाँ पर तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सोच समझ कर ही करा गया इस इंसान के थ्रू, ऐसा नहीं है, लेकिन सोची समझी चाल में ये पर्सन नाकामयाब हो गए। उस चीज का अफसोस इस इंसान को सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा कमजोर कर रहा है। टेम्पिटेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बनी है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। टेम्पिटेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग और क्या बनी है सुबह से लेकर अब तक, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। सेवन ऑफ सोर्ड्स, देखो जिस चीज को लेकर ये पर्सन एक वक्त पे बहुत ज्यादा टेम्पटेट थे, जिस भी तरह की खुशियां इन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, आज अपने आप को उस मोड़ पर पा रहे हैं जहां पर ये उसी टेम्पटेशन से, उसी आदत से ये भागना चाह रहे हैं, वॉक अवे करने की इच्छा रख रहे हैं, या ये कह सकते हो ये उस टेम्पटेशन की तरफ भागने की इच्छा अपने अंदर डेवलप होती हुई पा रहे हैं जो इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रहे हैं। भागे ये तब भी थे, भागना ये अब भी चाह रहे हैं, पहले आपसे दूर भागे थे और अभी आपके पास भाग कर आने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं, ठीक है। तब भी चोरों की तरह गए थे और अब भी चोरों की तरह ही भागकर आपकी जिंदगी में आने की इच्छा इनके दिल में काफी ज्यादा इनहांस हो रही है। ज्यादा सुख पाने के चक्कर में इस इंसान ने सब कुछ गवा दिया, या ये कह सकते हो ज्यादा चालाकी के चलते ये इंसान गलत मैदान पर कूद पड़े, और उस मैदान से अब ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करते फिर रहे हैं। गाय की जो बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अपनी कामयाबी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी है, स्ट्रेंथ इन रिवर्स। अब इस इंसान को व्यूअर्स अपनी कामयाबी, अपनी सफलता कहीं नजर नहीं आ रही है, या ये कह सकते हो अपनी कामयाबी को लेकर जो भी इन्हें स्ट्रेंथ डेवलप करनी है वो इन्हें अपने अंदर खत्म होती हुई फील हो रही है, क्योंकि इन्हें अपने आगे ना बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो इन्हें यहाँ पर रोक सकते हैं, जो इन्हें कमजोर कर सकते हैं, या जो इनकी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से ये कमजोर पड़ रहे हैं, तो उस तरह की फीलिंग यहाँ पर है। तो कुछ तो ऐसी चीज है जो इस इंसान को रोक रही है, और जिसका रोकने का जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा नेगेटिव, काफी अनहेल्दी और काफी टॉक्सिक है। जैसे वो ब्लैकमेलिंग करना, या फिर एक होता है ना कि भाई तुम नहीं रहे तो हमारा क्या होगा, उस तरह से ब्लैकमेल करना, या अगर तुमने ऐसा करा तो हम ये कर देंगे, उस तरह से ब्लैकमेल करना। तो अल्टीमेटली ये पर्सन अब अपनी हिम्मत खो रहे हैं, वो फीलिंग यहाँ पर इनकी है, उसके विषय में ये ज्यादा सोच रहे हैं। इमोशनल विड्रॉल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है, एम्प्रेस। भाई देखो इमोशनली वाइज अगर इस इंसान को जितना खोल कर देखा जाए, जितना इन्हें कैलकुलेट करा जाए, या जितना इन्हें समझा जाए, तो अब हाँ ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर हद से ज्यादा अपनी अंदर अट्रैक्शन पा रहे हैं। मतलब इनके इमोशंस इन्हें आपकी तरफ लाकर खड़ा कर रहे हैं, आपकी यादों के सामने इन्हें खड़ा कर रहे हैं। ना सिर्फ केवल आपकी यादें, आपसे मिला हुआ प्यार इस इंसान को अब अट्रैक्ट कर रहा है, इस इंसान को आपने इसके अलग भी और भी बहुत कुछ
दिया वो भी इन्हें अपनी तरफ हद से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। उम्मीद की किरण ये पर्सन आप में देख रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, लेकिन गलत मैदान चुन लिया ना, जिससे ये पर्सन भाग नहीं पा रहे, डिफेंड नहीं कर पा रहे, इसी रीजन के चलते ये पर्सन अपने आप से इमोशनली वे में हाथ जोड़ते हुए अपने आप को जैसे मानो फील कर रहे हो कि अब अपने आप को ही हाथ जोड़ा जा रहा है इनके माध्यम से। ट्राई कीजिए बताइए डिवाइन एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी है। स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए एक्सेलरेटेड मोशन के विषय में, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। टेन ऑफ सोर्ड्स ये भी रिवर्स्ड में, बात करके उन गिले शिकवों को ये पर्सन मिटाना चाहते हैं जो गिले शिकवे बने हैं खत्म करने के पीछे की। एज एन इस रिश्ते में जो भी बर्बादी मची है, इस रिश्ते की जैसे भी एंडिंग हुई है ना, ये पर्सन अब उसी रिश्ते में रिबर्थ करने की इच्छा अपने दिल में जितनी ज्यादा खुद से डेवलप होती हुई पा रहे हैं, उतना ज्यादा बार बार उस जगह पर अपने आप को ले जाया जा रहा है, उस पल में, उस मोमेंट में अपने आप को ले जाया जा रहा है, जिस मोमेंट, जिस पल में इस इंसान ने आपके साथ गलत करा या इस रिश्ते को इस इंसान ने खत्म करा या इस रिश्ते को इन्होंने सेक्रीफाइस करा। काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना करते, काश ये होता नहीं तो डेफिनेटली आज चीजें सही डायरेक्शन में, सही वे में इनकी जा रही होती। इस तरह की चीजें इस इंसान के दिल में यहाँ पर काफी ज्यादा इनहेंस हो रही है, तो वो चीजें हैं। तो ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक बार बार उस मोमेंट पे जा रहे हैं लौट के, जिस पल, जिस मोमेंट में इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोला ये रिश्ता खत्म है, या इन्होंने नहीं बोला, जो भी मतलब, जैसे भी, जिस भी पल में खत्म हुआ ना, उस पल में ये पर्सन है, ठीक है। सेक्रीफाइस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है। स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है सेक्रीफाइस को लेकर। Eight of Pentacles, bottom is judgment. देखो अब आपके पर्सन डेफिनेटली अपने आप को मेंटली इमोशनली इस तरह से तो तैयार कर रहे हैं कि अब ये मेहनत करने के लिए तैयार है। अभी तक अगर एक ऐसा परसेप्शन, ऐसी सोच लिए बैठे थे कि बिना मेहनत करे सब कुछ मिल जाए, अगर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है और फिर उसके बदले में खुशियां मिलती हैं, तो ये उसके लिए तैयार थे। लेकिन अब ये पर्सन उस तरह से तो समझ पा रहे हैं, इन्होंने लाइफ का वो लेसन तो ले लिया है कि हाँ जिंदगी यूं ही ऐसे ही इनकी आसान नहीं रहने वाली है, इस तरह से जिंदगी में इन्हें चीजें नहीं हासिल होंगी जब तक कि खुद से एफर्ट्स नहीं डालेंगे। यानी कि ये पर्सन अपने आप को अब परिस्थिति, जो भी अब परिस्थितियां इन्हें दिखाई दे रही हैं, उसके अनुसार अपने आप को बदलने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं, क्योंकि समझ पा रहे हैं जैसा करेंगे वैसा इन्हें मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वो मिलने के लिए इन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, इन्हें जो जैसा करेंगे ये वैसा इन्हें यहीं पर मिलेगा। ऐसी चीजें इस इंसान की जो मेंटल पीस है ना, उसको भंग कर रही हैं, या फिर ये कह सकते हो उन भ्रम को यहाँ पर इनके सामने खोल कर लेकर आ रही है। आसपास के लोग कहीं ना कहीं इनके लिए लॉयल नहीं है, ये भले लॉयल थे या इन्होंने भले उनके लिए अपनी लॉयलिटी दिखाई, लेकिन वो जितने ज्यादा बेईमान निकले, ये पर्सन उतना ज्यादा उनके साथ अपने संबंध को तोड़कर अपने उसी पुराने संबंध, यानी कि आपकी तरफ या इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की इच्छा अपने दिल में खुद ब खुद डेवलप होती हुई पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है या पॉजिटिव जो भी फैसले लिए गए हैं वो इसी रिश्ते में जो आपके साथ था ना, वो इसी में इन्हें दिख रहे हैं। एक वक्त पे इस इंसान ने जो भी फैसला लिया इस रिश्ते को खत्म करने के लिए, वो फैसला इन्हें आसान लग रहा था, लेकिन अब इस इंसान को ना अपना वही फैसला सही करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल जैसे मानो महसूस हो रही है। अब ये पर्सन ना सुबह से लेकर अब तक अपने सारे हालातों को स्पष्ट तौर पर समझ गए हैं, मतलब सच क्या है, झूठ क्या है, उसको ये पूरी तरह से समझ गए हैं। इसी रीजन के चलते ये पर्सन अब इन सभी चीजों को बदलने की इच्छा अपने दिल में खुद ब खुद डेवलप होती हुई पा रहे हैं। दिस इज वेरी रियली गुड साइन फ्रॉम योर पर्सन साइड, आपके पर्सन की साइड से बहुत पॉजिटिव मुझे साइन दिख रहा है। अब ये पर्सन ना सुबह से लेकर अब तक कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपनी उस अतीत की गलती को जो इनसे हो गई है ना, उसको रियलाइज भी कर रहे हैं और उसको अब खुद से
सही करने की इच्छा, उस सच का सामना करने की इच्छा अपने अंदर खुद ब खुद रख रहे हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो इनकी खुद आए तो ज्यादा बेहतर है। किसी के समझाने, किसी के कहने से यहाँ पर चीजें उस वे में सही नहीं होती हैं जितनी अपने समझने से चीजें सही हो जाती हैं। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं सना जी से। स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए सना जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ। व्यूअर्स के पर्सन कहने की इच्छा रख रहे हैं, व्यूअर्स से डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई फील रोमांटिक फॉर यू, आई डू लव यू। अब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि इनके दिल में ना अब आपके लिए फीलिंग्स एनहांस होनी शुरू हो गई हैं, आपके लिए प्यार इनके दिल में उठना शुरू हो गया है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, और इसी कारणवश ये पर्सन आपको हर जगह देख रहे हैं। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम, उस वक्त पे ये क्यों भागे वो क्लैरिफिकेशन आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सपने आप इनसे जोड़कर देख रहे थे वो सपने ये पूरे नहीं कर सकते थे, नहीं कर पा रहे थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स, कहना चाह रही हैं कि ये आपकी आवाज से प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं रिलैक्स जैसा। वो चीजें मैंने आपको बोली कि आपकी आवाज जैसे इनकी कानों पे पड़ रही हो, या आपकी आवाज को सुनने के लिए काफी ज्यादा टेम्पटेशन अभी ने हो रही है। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू, अब सच में चाहते हैं क्योंकि आकर्षित हो रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ वापस से लौट कर आना। गिव मी अ चांस यार, पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि क्या आप वापस से इन्हें दूसरा मौका दोगे या नहीं। आई एम नॉट हैप्पी दैट इट इज ओवर, अब ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं हो पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं कि ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान जो भी था वो खत्म हो गया। आई वॉन्ट टू शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, अगर आप सहमत हो जाते हो, अगर आप कहीं ना कहीं इनके साथ मिल जाते हो या इन्हें दूसरा मौका देते हो, तो ये चाहते हैं अब अपने इसी रिश्ते की यूनिटी को, इसकी पावर को दुनिया को दिखाना। तो ये भी ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। मैं देखती हूँ आपसे ना कान्हा जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको अब इस रिश्ते को लेकर किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मैं कान्हा जी, बताइए मेरे व्यूअर्स को अब इस जगह पर क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मार्ग दिखाइए, उन्हें रास्ता दिखाइए। कान्हा जी गाइड कीजिए, बताइए कान्हा जी, फ्लो विद द राइम, गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ, बी पॉजिटिव, वन मोर बिलीव। तो आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं जो चीजें जिस वे में अब बह रही है ना, उस चीजों उन चीजों को, उन रिश्तों को उसी वे में बहने दो, उनके साथ छेड़खानी मत करो। एज जो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस इंसान ने आपको अपनी जिंदगी से दूर करा, इतने टाइम पीरियड में आपने क्या सीखा, आपने इंसान को समझना सीखा, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्ड से जुड़े, आपने अपनी जर्नी को सीखा, अपने आप को सीखा, अपनी इम्पोर्टेंस को सीखा। तो जो चीजें होती हैं ना वो अच्छे के लिए होती है, और जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। आप उन चीजों से बहुत कुछ सीखे हो, और ऐसा नहीं है कि ये सीखी हुई चीजें अब आप सिर्फ इन्हीं के साथ की जिंदगी में अप्लाई करोगे तो ही वो कामयाब होंगी। वो चीजें आपके साथ जुड़ गई हैं, आप जहां पे भी बढ़ोगे वो आपके काम आनी है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो नेचर में हो रहा है ना उसके साथ छेड़खानी बिल्कुल मत करो, इस सच को जितना जल्दी हो सके स्वीकार करो और अपनी ड्यूटी आप निभाओ। अपनी ड्यूटी निभाते वक्त आपको ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव हो रहे हो, अच्छा बुरा बोल रहे हो, किसी के लिए बद्दुआएं दे रहे हो, वो आपको नहीं करना, बल्कि इस वक्त में आपको ना पॉजिटिव रखना है अपने आप को जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो अपने आप को। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप नेगेटिव रखते हो ना अपने आप को, तो आप अपने इर्द गिर्द एक नेगेटिविटी अपने आप क्रिएट कर लेते हो, जिससे जो सही वक्त आप जिसका इंतजार कर रहे हो वो आते आते रुक जाता है या उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। जितना आप भगवान से अपने आप को जोड़ोगे, अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन या जिनको भी आप मानते हो, जितना उन पर विश्वास करके उनसे अपने आप को जोड़ोगे ना, उतनी जल्दी आपकी तकलीफ, आपकी जिंदगी की डिफिकल्टीज वो यहाँ पर खत्म होंगी।
तो ये आपसे यूनिवर्स, ये कान्हा जी बोल रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस चीज को आपको बिल्कुल ऐसे बना लेना है कि यही मेरी जिंदगी की एक पंच लाइन है, वो है ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वही चीजें आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं, तभी आपकी जिंदगी में चीजें और बेहतर तरीके से आपकी तरफ होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने ना अभी तक लाइक करा, क्लेम करा, ग्रेटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा। इन चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय। Bye.